सर्वदा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet and the other words. Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking blessings from foots of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustaba. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفا وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق العاصم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزاد كبده البدول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف سنة محسننا أخطر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم عقيدة محبت کے ساتھ مرکز عقیدة ارواح نافذہ جن کی موج سے سمندر کا تموج جن کی روشنی سے سورج کا تنور जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक जिनकी सांस से दुनिया का तनफ्फुस सुभान अल्लाह जिनकी मुस्कुराहट से वर्ल्ड का तबस्सुम वाह 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 जिनके बाल मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रजा क्या बात है वाह सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसु सुभान अल्लाह उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख लिख ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का सुभान अल्लाह सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का सुभान अल्लाह उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनको इमाम इश्क व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख लिख वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्को मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भाव मुबारक नवाईतु अनुसल्ली अलिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फजर फल्लाहु तआला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जहन इला जिहतिल काबतिश शरीफ अल्लाहू अकबर सिवान वाले नमाज फजर हो या जुहर असर मगरिब ईशा नियत ये करते मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ अल्लाहु अकबर पूरा इंडिया लंदन वालों आप कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ डरबान कहा मेरा चेहरा भी खाना काबा की तरफ लीबिया तूनू जजायर मगरिब मोरितानिया चिबूती सोमाल जुजुल कमर नाइजीरिया 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड मुस्लिम्स से मेरा चेहरा खाने काबा की तरफ अल्लाहु अकबर खाने काबा तेरी दीवार तेरी अजमत तेरे तकद्दस तेरी हुरमत तेरे हतीम से एक सवाल है
पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? तो खाने काबा तमाम तर अजमत व शराफत व तकद्दस व तहारत जवाब देता, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है। किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमीना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है, बरेली का इमाम बोलता है, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अंसारी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत मजा। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। टुडे माय टॉपिक इज द रीजन ऑफ इजाज़े कुरान। वाह वाह वाह, कुरान शरीफ के इजाज़ की वजह, सुभान अल्लाह। चूंकि हमारी नजरों के सामने 26 आयतों के इखराज का मामला, 1400 साल पहले कुरान के नुजूल से कबल अरब जब बकरी चराता था तो अरबी में शेर कहता था, ऊंट को बैठाता था तो अरबी में कह के बैठा था। हम लोग मैदान जंग में मुकाबला के लिए कहते हैं आजा, मगर खैबर में मुरहब शेर में चैलेंज करता है, قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح بطل مجرب। तो उस शेर का जवाब शेर खुदा शेर में, बहुत अच्छे, वाह वाह। انا الذي سمتني امي حيدر سبحان الله غلیظ غابات کریہ المنظر, मैं वो हूं जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। सुभान अल्लाह, वाह। झाड़ियों में रहने वाले खूंखार शेर की तरह, बाजारे औकास उलमा जानते हैं जिसका कलाम सबसे अच्छा होगा नाम चलेगा, अवार्ड मिले। खाना काबा पर कलाम को मुअल्लक कर दिया जाता था। हम लोगों ने सबए मुअल्लकात पढ़ा है, ये उसी की तरफ मंसूब है। और जो कलाम एक बार लटक गया खाने काबा पर, जब तक उसका जवाब कोई माइक का लाल लाएगा नहीं, उसको उतार नहीं सकता है। ये अरब का जमाना है। एक आम आदमी अगर बात करने कहीं जाता है, भाई साहब भाई साहब, आपके घर पे कोई है? बिंतुल अराबी, अराबी सहाबी की बेटी घर पर आती है, आप कौन? काना मिनल अरब, अरब वो उरीद अन अरा अबाक, मैं अरब हूं तेरे बाप से मिलने के लिए आया हूं। कहां तेरा बाप? इसका जवाब देखो, कहां तेरा बाप? इसका जवाब देती है वो लड़की बच्ची, अभी फा इल फयाफी फैदा फाल फयुफा, अभी फा इल फयाफी फैदा फाल फयुफा, मेरा बाप खेत गया है, सूरज ढलेगा तो वापस आ जाए। वो अरब पूछता है तेरा बाप कहाँ? वो फिर ने उसने जवाब दिया बच्ची ने वही, अभी फा इल फयाफी फैदा फाल फयुफा, फिर कंफ्यूज, तेरा बाप का अंदर से माने का बेटी कौन है? कहा लगता है कोई अजम है, मेरी बात नहीं समझ रहा। अंदाजा लगाए, अरबी का अंदाजा लगाए, और यहीं से समझे जब बेटी का मुकाबला नहीं कर सकता तो बाप का क्या हाल है? आए है, वाह। यही अरब है जिसकी अरबी का ये आलम है कि शायर को किडनी पर गिरफ्तार कर और जाके जंगल में मर्डर कर दिया। मर्डर करने से पहले तुम्हारी कोई इच्छा है? कहा है ना, एक मिसरा है, जाके मेरी बेटी को दे देना। कहा ठीक, कागज पे मिसरा लिख दिया, मिसरा था अला या इबनता इन्नी अबाकुमा, ए मेरी दोनों बेटियां मैं तुम्हारा बाप हूं। हर शेर में दो मिसरे होते हैं, ये गौर साहब को अच्छी तरह वाकिफ है, गौर साहब इससे अच्छी तरह वाकिफ है, हर शोरा इस बात को जानते हैं, हर शेर में दो मिसरे, पहला मिसरा अला या इबनता इन्नी अबाकुमा, बस पहला मिसरा दिया। कहा ये चिट्ठी मेरी बेटी को दे देना,
बेटी के हाथ में चिट्ठी जाती है, थोड़ी देर दमाग लगाया और दमाग लगाने के बाद वो दूसरा मिसरा जम करती है, वक़द कुतिला व कातिला हो लदा को मा, वो कत्ल कर दिया गया है कातिल तुम्हारी नजरों के सामने। वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है वाह। बेटी चिल्लाई कातिल कातिल कातिल, का हाउ डू यू नो दियार कातिल दियार किलर, तुमको कैसे पता ये कातिल है। उसने कहा ये पहला मिसरा ये है और मिसरे बहर में बनते हैं। मुईनुल उरूज में 16 बहरें दी गई। उसने मुफ्तदा को खबर की जगह, खबर को मुफ्तदा की जगह हाल लाया, तमीज लाया, नकेरा मारे पा सब सेट करके देखा, सिवाय इस मिसरा के कोई जम ही नहीं हो रहा था। और जो मिसरा जम हुआ वो यही था, वक़द कुतिला व कातिला हो लदा को मा, तुम्हारा बाप कत्ल कर दिया गया है, बेटी कातिल तुम्हारी नजरों के सामने। वाह 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 वाह, हक है वाह। अरबी दानी का अंदाजा लगाए, ऐसे मोमेंट में कुरान कहता है फातु बिसूरत मिन मिसली, क्या बात है। अगर रगों में खून गर्दिश करता है तो मेरी तरह लाके बता। बेशक हक है वाह। इस फसहाए अरब अरब अब सहुल आलम मिनल बिदाया इला निहाया, ऐसे माहौल में कुरान कहता मेरी तरह लाके बता। उन लोगों से जो बकरी चराते हैं उस अशआर में, सोते अशआर में, उठते अशआर में, मुतज़ादुल माना जिसकी सिफते खासा है, वो कुरान चैलेंज कर रहा है कि मेरी तरह लाके बता दो। सबे मुअल्लकात जहां लटके हुए थे, प्यारे मुस्तफा ने वहां एक सूरत लगा दी, इन्ना अफ़ना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब ला इसके मिसल जवाब, तब इसको उतार लिया जाएगा। तमाम बलीग वसी सबको जमा कर ले, और सिर्फ इंसान नहीं मिनल जिन्न वल इंस, जिन्नातों को भी लियाओ, इंसानों को भी लियाओ, और इसके मिसल लाके बता दो। कई दिनों तक वो आयतें लटकी रही, किसी के अंदर इतनी जुर्रत न हुई कि उसका जवाब दे सके। आखिर में एक ने जाके लिख दिया, मा हादा कलामुल बशर, ये इंसान का नहीं खाली के इंसान का कलाम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जश्न दस्तारे हुफाजे कराम जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। वाह बहुत उम्दा, वाह। दो प्लेटफॉर्म है जिससे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। इजाज़, ये इफ़ाल का मस्दर है जिसका माना है आजिज करना, इसमें फ़ाइल है मुअज्जिज़ और इसी से बना मुअज्जिज़ा। उस वक्त के अरब ने कुरान के मिसल को नहीं लाया। जंगे बद्र में जरूर आए, जरूर आए, हुनैन में, तबूक में, यमामा में जरूर आए, कुरान के मिसल नहीं लाया। आज भी लाना कोई किसी के अंदर जुर्रत नहीं, हटाने की बात की जा रही है, कुरान के मिसल लाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं। जंग में आज भी बुलाया जा रहा है। वो चैलेंज, वो एजाज जो कल था कुरान का, वो अभी भी बाकी है। वाह सुभान। दो प्लेटफॉर्म है जिससे लोग आगे बढ़ते हैं। पहले का नाम है कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, BUMS, MBBS, MD, IAS, IFS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, एक प्लेटफॉर्म ये है। दूसरा प्लेटफॉर्म है मदरसा इस्लामिया महमूदिया, जमदशाही, रोनाई, अमजदिया, अशरफिया, अल अज़हर यूनिवर्सिटी, पढ़ने वाले नाजरा का हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रह गौस अब्दाल मातिन, जिस कागज से पेन का जमाना है, हमारी हुकूमत है। यूसुफ बिन अम्र ने रुई से कागज बनाने वाली मशीन की इजाद। वाह, लगे हाथ। ये भी आप सुन ले, सबसे पहले ग्लास हम ही लोगों ने बनाया, कांच, उसका नाम था अब्बास बिन फरनास। एक और पॉइंट याद रख ले, एरोप्लेन हमारी बाप दादा ने इजाद किया था,
उसका भी नाम था अब्बास बिन फरनास। स्पेन के जमाने में उसने फ्लाइंग का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा उड़ा भी अभी फ्लाइट उड़ी भी है, लैंडिंग के वक्त आग लगी थी, नतीजतन मारा गया। लेकिन थॉट तो हमारा है ना, बाद में राइट बिरादरान ने इसको आगे बढ़ाया, सोच हमने दी। और ऐसे भी कुरान ने मोमिन को अकलमंद कहा, काफिर काफिर को तो बेवकूफ कहा, वाला किला या आलम, डबल बेवकूफ। एक तो बेवकूफ है और पता भी नहीं कि मैं बेवकूफ हूं। यूसुफ बिन अमर ने रुई से बनने वाली कागज की मशीन बनाई। इस वक्त दरख्त से कागज बनता है, दरख्त काटा, मशीन में पाउडर बनाया, केमिकल डाला, कागज बनाया, लकीरें खींची गई, लकीरें खींचने के बाद में उसकी बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग के बाद में प्रेस वाले ने लिया और उस पे लिखा, जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा। पढ़ने वाले ने नर्सरी पढ़ी, कॉन्वेंट वालों ने। अब पढ़ने के बाद जब फर्स्ट में गया, सेकंड में गया, तो माँ बाप ने जानते क्या किया, उस किताब को भंगार वाले को दे दी। और भंगार वाले ने होटल वाले को दे दी। और होटल वाले ने मखसूस साइज में काट कर उस पे समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बैठ गया। पकौड़ी खाने के बाद, समोसा खाने के बाद कागज डस्टबिन में या नाली में, जिसने कलेक्टर बनाया वो नाली में। बेशक बेशक वाह, हक है। याद रखिएगा, जिसने एसपी बनाया वो नाली में, जो बना वो 1 लाख तनख्वाह कुर्सी पे बैठा आईफोन स्कॉर्पियो, जिसने बनाया वो कीचड़ में, वो नजासत में। सेम दरख्त, सेम मशीन, सेम ठाई, सेम दुकान, सेम सेलर, सेम बाप, सेम मुश्तरी, सेम कलर, सेम वैल्यू। प्रेस वाले ने जोनी जोनी यस पापा की जगह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन लिख दिया। अब सुने, एक हाफिज फतवा नहीं देता, एक मुफ्ती फतवा नहीं देता, एक मुजद्दिद खामोश है, गौस अब्दाल और औताद अफराद सहाबा खामोश है, रब फतवा देता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इस कागज को बगैर वजू के छूना भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। कन्वेंट वाला कागज तू कीचड़ में क्यों है? जवाब दिया, जोनी जोनी यस पापा से कनेक्शन है। ए सुरफातिया वाला कागज, महमूद मदरसा इस्लामिया महमूदिया वाला कागज, तेरे ऊपर छूने का, बगैर वजू को छूने का रब का हुरमत का फतवा क्यों है? जवाब दिया, मेरी छाती पे कुरान बैठा हुआ है। कुरान हो उसकी हुरमत का ये आलम है, तो जिसकी छाती और सीने में कुरान हो उन हाफिजों का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 26 आयतों को हटाने का टारगेट अभी से नहीं। हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में कुफार ने टारगेट किया कि ये हाफिजों को कत्ल करते हैं अपन, अल्लाह, और जंगे यमामा में 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर, 70। उमर फारूक आजम पहुंचते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उनके पास, हजरत हजरत कुरान को जमा कर लिया जाए ताकि सीवान वालों तक भी कुरान पहुंच जाए, कयामत तक के इंसानों तक कुरान पहुंच जाए। कहो कैफ अफअल हु लम यफअल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो काम मैं क्यों करूं जो नबी ने नहीं किया? वो हजरत उमर थे जिनके दिमाग के बारे में अजहारुल अरब में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अरब का यकीन और उमर फारूक का जन 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 बराबर हुआ करता था। वाह वाह वाह, अरब का यकीन और उनकी सोच गुमान गालिब इक्वल हुआ करता था। उमर फारूक आजम फरमाते खुदा की कसम ये बहुत अच्छा काम है, हाफिजों को कत्ल कर दिया गया है, कयामत तक कुरान कैसे पहुंचेगा? बस होने लगे, होते 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 हजरत अबू बकर फरमाते हत्ता शरह अल्लाह सदरी लिज़ालिक कमा शरह सदर उमर।
अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर फारूक का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कुरान जमा होता है, ये बेवकूफ वसीम रिजवी ये बोलता है कि ये जो 26 आयतें हैं ये कुरान की थोड़ी है, कुरान को तो मैं मानता हूँ, आई एम फॉलोअर, आई एम बिलीव इन होली कुरान, आई एक्सेप्ट अल्लाह रसूल, लेकिन ये 26 आयतें अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, इन तीनों ने मिलके गढ़ लिया है माजल्लाह रब्बे माजल्लाह। उनसे ये कहिएगा कि ये जो 26 आयतें इन तीनों ने ऐड किया है तो बकिया आयतें किसने ऐड किया है? वाह वाह, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, बकिया आयतें तेरे बाप ने कोड किया है, बकिया आयतें भी तो अबू बकर उमर उस्मान ने कोड किया है, बेशक हक है। बास को मानना बास को नहीं मानना, एक हाथ को मानूंगा दूसरा को नहीं मानूंगा, सरासर दोगलापन है और ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। आरएसएस के पलान को बेहतरीन शक्ल में पेश करके उम्मत मुहम्मदिया को उलझाकर उलझाने वाली बात है। बता दिया कुरान को मानता हूँ मगर ये 26 आयतें इन तीनों ने ऐड की है, उनको पता नहीं बाकी पूरा कुरान भी उन्हीं तीनों की देन है। क्योंकि कुरान ने अबू बकर को सहाबी कहा है, ये नस कतई से सुभान अल्लाह बेशक। इذ يقول لصاحبه, हुजूर मुहदीस कबीर ने एक बात फरमाई थी कि साहिब का लफ्ज 101,24,000 सहाबा में सिर्फ अबू बकर के लिए आया, बेशक बेशक। दूसरे सहाबी का इनकार गुमराही है, अबू बकर का इनकार ये कुफ्र है क्योंकि कुरान का इनकार, बेशक बेशक हक है। लॉलीपॉप और लोग लेग पीस दे रहे हो मुसलमानों को बेवकूफ, बोले ये इन तीनों ने ऐड कर दी, पूरा कुरान उन्हीं तीनों की देन है, पूरा कुरान सहाबा किराम ने लिखा है, नबी ने नहीं लिखा है, याद रखिएगा आप, नबी ने लिखवाया है सुभान अल्लाह बेशक, लिखा है सहाबा ने, लिखा है सहाबा ने, कुरान जमा होता है। वसीम रिज़वी का एक बाप हजरत उमर फारूक आजम के पास पहुंचा और कहता हजरत हजरत सब कुछ तो तस्लीम है, बस वही जो लेके आते हैं ना वो हजम नहीं हो रहे, यानी जिब्रील हजम नहीं हो रहे, बाकी सब तस्लीम, जिब्रील के अलावा कोई और लेके आते वही को तो मैं मान लेता, ये कुरान लेके जिब्रील आते ना उसकी अपनी नहीं बनती। कौन बोलता है? वसीम रिज़वी का बाप उमर फारूक का जवाब देखे, मन काना अदुव लिल्लाहि व मलाइकातिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव लिल काफिरिन, जो अल्लाह का रसूल का फरिश्तों का और जिब्रील का दुश्मन हो तो अल्लाह उसका दुश्मन है और वो हम में से हो ही नहीं सकता। बात क्लियर कर दी, जो जिब्रील को नहीं मानेगा अल्लाह उसका दुश्मन, वो अल्लाह का दुश्मन, क्लियर हो गया। और रब को इस आशिक रसूल उमर फारूक का जवाब यहूदी के गाल पे जोरदार तमाचा, रब को इतना पसंद आया कि पूरा लफ्ज कुरान में नाज़िल फरमा दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हु बहु उमर का जवाब कुरान की आयत बन चुका। वाह, मन काना अदुव लिल्लाहि व मलाइकातिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव लिल काफिरिन, सुभान अल्लाह। इसका एक बाप हजरत उस्मान गनी के जमाने में पहुंचा, हजरत उस्मान गनी एक लहजा में कुरान को जमा कर रहे थे, जमा हो चुका था हजरत अबू बकर ही के जमाने में, याद रखिएगा, और राइटिंग में नबी के जमाने ही में आ चुका था, बेशक राइटिंग में नबी के जमाने ही में आ चुका था, मुख्तलिफ जगहों पर एक थैली में रखा गया हजरत अबू बकर उमर के जमाने में, और एक लहजा में एक रस्म में जमा किया गया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में। हजरत उस्मान गनी जमा कर रहे थे तो एक आयत है, फलम्मा अतया अहल क़रियति इस्तत'अमा अहलहा फअबौ अन यदय्यफूहुमा, ये आयत है हजरत मूसा और खिज्र अलैहिम सलाम के बारे में, ये दोनों गांव में गए और गांव वालों से कहा कि हमारी ज़ियारत करो, खाना खिलाओ, फअबौ, गांव वालों ने इनकार कर दिया। ये कौन लोग थे? बनी इसराइल, बनी इसराइल, यहूदियों ने इनकार कर दिया। अब सोचिए आप कितने कमबख्त मर्दूद लोग हैं, अपने नबी को खाना नहीं खिलाया,
यहाँ गुलजार में आते हैं तो ये हाल है दिल और जिगर का, आंखें ये सब। ताजु शरिया को मैंने मिस्र में देखा, वहां भी लोग तन्हा नहीं छोड़ रहे थे, चारों तरफ से घेर लेते थे, बीच में ताजु शरिया चल गया। नबी के गुलाम के गुलाम के गुलाम का ये आलम है। बल्कि मैं यहाँ की बात कर लू ना, मुफ्ती रहमत अली मिसबाही किसी के यहाँ जाके कहे मुझे खाना खिलाओ तो कोई इनकार करेगा? थे इन लोगों ने बनी इसराइल ने, जो अभी पूरी दुनिया में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, इंसाफ की बात कर रहे हैं, अपने नबी को भगा दिया। 1400 साल जब प्यारे मुस्तफा की उम्मत का एक फर्द 1400 साल के बाद में पैदा होता है, तो इस अकीदत के साथ पेश करता अपने नबी की बारगाह में जियाफत को, दिल ये जिगर है करूं तेरे नाम पे जा फेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, या रसूल अल्लाह दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वो खाना नहीं खिला, जब खाना नहीं खिला तो उसकी अरबी आती है अबौ अलिफ जबर अ बाबा जबर बौ अबौ, खाना खिलाने से इनकार कर दिया, जियाफत से इनकार कर दिया। तो बनी इसराइल की तौहीन हो रही है, तो बनी इसराइल हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचे, एक जमात पहुंची, अमीरुल मोमिनीन सोना चांदी दौलत जेवर अरब की खूबसूरत लड़की, आप जो कहें हम देंगे। अबौ में जो बा का एक नुक्ता है, बा के नीचे उसको हटा दीजिए ना, उसके ऊपर दो नुक्ते लगा दे, जिसका मतलब होगा हमने खाना खिलाया। वाह, इसमें हमारी तोहीन हो रही है, हमने नहीं खिलाया, लोग क्या कहेंगे अपने नबी को खाना नहीं खिलाया, कितने मर्दूद लोग थे। हमारी तोहीन हो रही है, बाप के नुक्ते को हटा दे, उसके ऊपर दो नुक्ते लगा दे, कौन था जो गया था नुक्ता हटाने? वसीम रिजवी का बाप का बाप। यही से पता चला ये राफजी की औलाद नहीं है, ये शिया की औलाद नहीं है, इसकी रगों में जो खून गर्दिश कर रहा है वो इसराइल का खून गर्दिश कर रहा है, क्योंकि इसका बाप भी गया था नुक्ता हटाने के लिए। और जवाब जाहिर है, हमारे रूहानी बाप उस्मान गनी, हमारे रूहानी बाप उस्मान गनी ने दौलत को ज्योति के नोक से उड़ा दिया और कहा उस्मान जान जो दे सकता है कुरान का नुक्ता नहीं दे सकता है। आज भी जवाब है, ए वसीम रिज़वी तू 24-26 आयतों की बात कर रहा, सुन, अरे दम किया हुआ पानी को हम जमीन पे गिरने नहीं देंगे, जब दम किया हुआ पानी नहीं गिरने देंगे तो आयतों को कैसे हटा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। फिर ये 26 आयतें क्यों कह रहे हैं हटाने के लिए, और इसका जवाब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। बिगिनिंग में इतना याद रख ले, लफ्ज कुछ और होता है, स्पीकर कोई और होता है, उसके पीछे टारगेट कुछ और होता है, बुलवाता कोई है, मकसद कुछ और रहता है। यहाँ पर जो 26 आयतें हटाने की बात की जा रही है, नंबर एक उन आयतों में क्या जिक्र है, फॉर एग्जाम्पल वक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम, जहां मुशरिक मिला कत्ल कर डाल, ये आयत है कंडीशनल, टर्म एंड कंडीशन, शान नुजूल, क्लाइमेट, माहौल। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका पढ़े, द कोर्ट रूल्ड द सेकंड अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एन इंडिविजुअल टू पोजेस सेल्फ डिफेंस। एवरी अमेरिकन हैज सेल्फ डिफेंस राइट, इंडिया वाला रखता है सेल्फ डिफेंस का राइट। मिसाइल क्यों रखा भाई तूने? बहुत अहम बात बता रहा हूं, सेल्फ डिफेंस में। न्यूक्लियर बम्स क्यों रखा तूने? सेल्फ डिफेंस में। अच्छा ये बता, ये न्यूक्लियर बम्स जब सेल्फ डिफेंस में है, जब बम छूटेगा और जिस गांव में जाएगा तो वो ये देखेगा कौन अपना है कौन पराया? हरगिज नहीं। उसमें किसी ने तौबा करके पलट गया तो तुम्हारा बम छोड़ देगा? नहीं। मगर ये इस्लाम है, जंग के मौके से कहता है जो हौजार डाल दे वो अपने सीने से लगा ले। वाह बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह, उन काफिरों के लिए जो आपको मारने के लिए आए तो आप हाथ बांध के कहेंगे आइए तशरीफ लाइए मेरी गर्दन उतार दीजिए, ये कहां का राइट है? अमेरिका ने अथॉरिटी सेल्फ डिफेंस की, औजार भी बेच रहा हूं तुम भी खरीद रहे हो उससे। अगर सेल्फ डिफेंस करना अनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो भारत से मिसाइल
को हटा दिया जाए, न्यूक्लियर बम को हटा दिया जाए, अमेरिका से मिसाइल को हटा दिया जाए, लंदन से मिसाइल को हटा दिया जाए, जापान से मिसाइल को हटा दिया जाए, फ्रांस से मिसाइल को हटा दिया जाए, रूस से मिसाइल को हटा दिया जाए, ये तमाम तर न्यूक्लियर बम ये सेल्फ डिफेंस में है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कुरान की 26 आयतें क्यों नहीं हो सकती? वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह। वाह 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 वाह। आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी में कैंसर हो, क्या करेगा डॉक्टर? बहुत प्यार से रखेगी, इट इज पार्ट ऑफ बॉडी। हाथ में कैंसर है कहेगा सेव इट, इट इज पार्ट ऑफ बॉडी, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, कट, क्योंकि काटना ही अमन शांति की दलील है। बेशक बेशक बेशक, हक है। वाह, बॉडी के जिस हिस्से में कैंसर हो जाए, BUMS, BMSM, BSMD, ISIF, सब के सब यही बोलेंगे। दुनिया के किसी भी अपोलो वाले से जाके पूछ लो, वो कहेगा बॉडी की सलामती के लिए उस पार्ट को काटना जरूरी है। पूरी दुनिया एक बॉडी है, और जो शर्रो फसाद का अज़्म मुसम्मम रखता है वो कैंसर का पार्ट है। उसी पार्ट को काटने के लिए प्यारे मुस्तफा पर कुरान की ये आयतें नाज़िल होती है। ये आयतें टेररिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये आयतें अमन सलामती ऑफ द वर्ल्ड के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डायनालिसिस कहते भाई साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायनालिसिस? जवाब आएगा इट इज अ मशीन treatment that filters and purifies the blood. When the kidneys can't do job, जब किडनी काम करना छोड़ दे तो डायनालिसिस होता है, फिल्टर्स करता है, प्यूरिफाइज करता है, तब्दीली लाता, कुछ को हटाता, कुछ को दाखिल करता। ये कुरान की आयत डायनालिसिस के लिए, डायनालिसिस के लिए कुरान की आयत है। बनी आदम आजाए यके जिगरन के दर आखरी नश जयक जोहरन। वाह वाह, हर इंसान पार्ट्स ऑफ बॉडी का एक हिस्सा है। जो फासिद है, फसाद का आजम रखता है, पीप हो गया, दमे फासिद हो गया। कुरान की इस आयत से डायनालिसिस किया जाए, इस आयत से डायनालिसिस किया जाए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं? वसीम रिजवी, अगर माँ का दूध पिया है तो हटा दे न्यूक्लियर बम्स को, सेल्फ डिफेंस। बेशक, सेल्फ डिफेंस मेरे भाई। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है जवाब का, जब 70 हाफिजों को यमामा में शहीद किया गया, कुरान को जमा किया और हिफ्ज पर तवज्जो दी गई, आज अगर हम ये चाहते हैं कि वसीम रिजवी का जवाब दिया जाए तो एक स्पीकर गुलाम जिलानी अजहरी काफी नहीं होगा, एक शेखुल हदीस जमदाशाही मुफ्ती कमरे आलम काफी नहीं होंगे, एक गुलजार मियां और ताजु शरिया के गुलाम हुजूर मुहद्दिस कबीर काफी नहीं है। बल्कि ये इरादा कर ले, पिलूरिया का हर बच्चा बच्चा वो 26 आयतों को अपने सीने में लेके घूमेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे सालत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शिवाजी के बच्चे 26 आयतों को याद करें विद मीनिंग, विद अंडरस्टैंडिंग। ये वसीम रिजवी का जवाब, ये वसीम रिजवी का जवाब। कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद बहुत खुश हो गया, हाँ हमारा बेटा MD, IAS, IPS, 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा होता है जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड, और ये पैदा होता है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया द बिग सिटी ऑफ यूरोप, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है वियना। ये वही यूनिवर्सिटी है गौर भाई जहां हिटलर फेल हो गया, हाँ हिटलर फेल हो गया था, यहाँ गया था पढ़ने के लिए, तो लड़ाकू दिमाग तो था, पढ़ाकू दिमाग तो था नहीं, फेल हो गया। वियना यूनिवर्सिटी से MD किया, न्यूरोलॉजिस्ट, नाम याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड,
नोबेल प्राइज लिया, पूरी दुनिया को ठोर दिया, दिया थ्री पार्ट, इन पार्ट ऑफ द बॉडी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर। बॉडी के अंदर तीन चीजें हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी नफ्स, ईगो कल्ब, सुपर ईगो रूह। तीन चीजें हैं बॉडी के अंदर। सिगमंड फ्रायड कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ पढ़ा, वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ के नोबेल प्राइज हासिल किया इस थ्योरी के बाद में कि तीन किस्में हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। कब पैदा हुआ याद रखिएगा, 1856 में। कौन सी लाइन से पढ़ा, एबीसीडी लाइन से। ये वही लाइन है जो पढ़ने वाला तो कुर्सी पे बैठता, जिसने पढ़ाया वो नाली में। वाह, ठीक उसी साल 1856 में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ था। दिमाग ढकना चाहिए उसे छुपा लिया। बच्चा ने तीन किस्में करके बता दिया, दियर आर थ्री पार्ट इन पर्सनल स्ट्रक्चर। जब नजर भागती है तब दिल भागता है, जब दिल भागता है तब सदर भागता है। वाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बच्चे को इमाम अहमद रजा खान, 1856 में पैदा होने वाला बरेली का अहमद रजा खान, ढाई साल की उम्र में जब न्यूरोलॉजिस्ट के बाप का जनाजा निकाल सकता है तो सोचे फिर आइंस्टाइन कितना कांपता होगा उनकी थ्योरी से। बेशक, हक है, हक है, वाह। ढाई साल, जबकि खुद सिगमंड फ्राइड ने यह कहा कि आईडी पैदाइश से लेकर तीन साल तक। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं नहीं तो आप कहेंगे बहुत हॉट टॉकिंग करके चला गया एक मौलाना आया था, चाय पी आपने वहां से निकल गए। एक ने कहा अच्छा है, मन में आया अच्छा है, 10 रुपया तो बचा, ये आईडी है। और एक ने मन ही में कहा कि ना, लोग क्या कहेंगे, चोर है, चीटर है, चल पलट वापस दे, ये है सुपर ईगो। और इसके बीच में जो इत्तेदाल लाता है आईडी और सुपर ईगो के दरमियान, उसी को ईगो यानी कल्ब कल्ब कल्ब। बहुत उम्दा मिसाल, वाह। पैदाइश से लेकर तीन साल तक आईडी है, तीन साल से छह साल तक ये ईगो है, और छह साल से लेकर उम्र के लास्ट हिस्से तक जब तक कुव्वत दर्रा का काम करती है उसको कहा जाता है सुपर ईगो, सुपर ईगो। तौहीद और रिसालत के शहदाइयो, जिसने ये आवाज उठाई कुरान शरीफ को हटा दिया जाए, और ये कुरान शरीफ वही है, यही ये बात भी ध्यान में रखे, हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हुआ, बराए इसाले सवाब मरहूम फोला एक पेटी मस्जिद, या कुरान शरीफ मस्जिद। दूसरे का इंतकाल हुआ, बराए इसाले सवाब मरहूम जैद, दूसरी पेटी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 40-50 पेटी मस्जिद, पेटियां मस्जिद में जमा है। मुअज्जिन साहब या मुतवल्ली साहब मसला पूछेंगे इमाम साहब से, इमाम साहब, इमाम साहब, बहुत सारी पेटियां हो गई, क्या करूं, सब पुरानी भी हो गई, कहा दफन कर दो। यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जब आप मस्जिद में थे और दूसरे ने अपने बाप के नाम से पेटी दी थी तो आपने पढ़ा था, दूसरे के बाप के नाम से पेटी जब आई थी तो आपने नहीं पढ़ा था, तो आपके बाप के नाम से पेटी जाएगी तो कौन पढ़ेगा। कमा तो दिनो तुदान, चीट फॉर टैट। आप होशियार हैं, अपने बाप के नाम से पेटी रख के आगे खुश है, इसाले सब कहाँ मिल रहा सवाब, देने का सवाब मिल सकता है, पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि पढ़ाई नहीं किसी ने। देने से पहले ये पूछे मुफ्ती रहमत से कि अनवारे शरीयत दू या तामीरे आदम, बहारे शरीयत दू या नूरानी तालीम। अगर आपने तामीरे आदम दे दी और ये गरीब का बच्चा तामीरे
अदब पढ़ा, फिर एदाबिया उला सानिया सालसा राबिया खामसा सादिसा साबिया सामेना पढ़ा, दस्तार बंदी ली फजीलत ही और कहीं पढ़ाने लग गया, दिया था तो 6 रुपए वाली तामीरे अदब, मगर सवाब उस आलिम बनने का उस माँ बाप को मिलता है। इसलिए मेरे भाई देने से पहले दिमाग लगा, रस्म और रिवाज पे नहीं चले। उसी तरीके से मकतब में हमारे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लड़की देखने के लिए आप जाते हैं, लड़की पढ़ी लिखी है क्या आपकी, बोले हाँ पढ़ी लिखी है ना, बोले क्या पढ़ी, बोले कुरान शरीफ पढ़ी। अच्छा ये भी बोल देंगे 4 बार पढ़ी है, 5 बार पढ़ी है, 50 बार भी पढ़ ले, फर्ज इल्म कहाँ हासिल किया उसने, वुजू के फराइज कहाँ सीखा उसने, जो कुरान में आया है वुजू फर्ज है उसका माना तो वो जानती नहीं, कुरान में वुजू फर्ज है। अच्छा ये अरब में देखा मैंने, मिस्र में देखा, मिस्र जब एयरपोर्ट पे उतरा था तो एक शख्स सिगरेट पी रहा था, मैंने कहा अंता लस्ता बिसाई, तू रोजा नहीं रखा, तो उसने कहा ला 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 हिनल बक, फिर मैंने कहा अन्नक मरीज, कहा ला 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 अना आलम इन कुंत मरीदन व अला सफर फइद्दत मिन अय्याम उखर। ये टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है, टैक्सी ड्राइवर बोल रहा है महबूब गौर साहब, अपने यहाँ वुजू के कितने फराइज है नहीं पता, कुरान शरीफ की कौन सी आयत से साबित है, जिस आयत से साबित है या अय्युहल लदीना आमनू इदा कुंतुम इला सलाह फगसिलू वुजूहकुम व अयदीयकुम इला المرافق, माना हम नहीं जानते, और जहाँ माना लिखा हुआ अनवार शरीयत वो पढ़ते नहीं, इसलिए कुरान शरीफ से कहीं ज्यादा दीनी तालीम पे तवज्जो दें। बेशक बेशक, अपने यहाँ के मस्जिद में जो मकतब चल रहे हैं उस पर तवज्जो दें, बच्चों को अरबी के साथ साथ में उर्दू भी पढ़ाए, और तब जवाब बनेगा वसीम रिजवी, ये लास्ट नहीं और नहीं पहला है, पहली सदी दूसरी सदी हर सदी में आया कोई ना कोई, ये 15वीं सदी है 16वीं में कोई और आएगा, 17वीं में कोई और आएगा, और उसका जवाब यही होगा कि हमारा बच्चा उर्दू पढ़ेगा तो डिफेंस कर सकेगा, वो बता सकेगा टर्म एंड कंडीशन और उससे मुकाबला करेगा और उसको बताएगा, ऐ वसीम रिजवी तूने ये कोई नई बात नहीं कही, सल्तनत उस्मानिया में नोयान ने और कमांडर वैसिलूज ने भी इस तरह की बात की थी, उमर फारूक आजम के दौर में यहूदी ने बात की थी, उस्मान गनी के जमाने में बनी इसराइल ने बात की थी, हजरत मुजद्दिद अल फैसानी के जमाना में अबुल हसन फैजी ने शिया, वो भी शिया था, इसने बात की थी, जिसने दीन इलाही को वजूद में लाया था, नया सिस्टम नया संविधान नया कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ रहा था, आज तू है और सुन ले वो सब भी मर गए हैं, अबू जहल भी गया, अबू लहब भी गया, उतबा भी मरा, शीबा भी मिट गया, नोयान भी मिट गया, अकबर भी मिट गया, बनी इसराइल के पोप भी जा चुके हैं, तुम्हारे बाप दादा जहन्नम में पहुंच चुके हैं, मेरा दावा है कि तू भी जहन्नम में जाएगा, तू भी जाएगा, लेकिन जिस कुरान को मिटाने की बात तू कर रहा है तो सुन, हम तो अभी बालिग हो गए हैं, जब हम 4 साल की उम्र थी हमारी और मुहर्रम का टाइम था तो हमने देखा था हमारे चाचा हमारे भाई हमारे अंकल ये सब मुहर्रम में लाठी खेल रहे थे, और लाठी खेलने के दौरान एक शेर कहा था, वो शेर अभी तक याद है, है कौले मुहम्मद कौले फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। 1400 साल हिस्ट्री में जिन्होंने कहा कुरान को मिटाओ हटाओ तब्दीली लाओ, बेटा ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है क्या कि तू आके बदल देता है, इंसान जब संविधान लिखता है तो उसके सामने पास्ट होता है फ्यूचर होता है प्रेजेंट होता है, पास्ट को देखा नहीं होता, फ्यूचर को भी देखा नहीं होता, प्रेजेंट में होता है मगर नियम बदलता है, इसीलिए फ्यूचर में तब्दीली की जरूरत पड़ती है, तरमीम की जरूरत पड़ती है और बदल दिया जाता है, क्योंकि फ्यूचर को देखा नहीं ना भीमराव ने, पास्ट को देखा नहीं ना उसने, कुरान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है इसको जिसने नाजिल किया है उसकी बारगाह में फ्यूचर भी प्रेजेंट है और पास्ट भी प्रेजेंट है, बेशक कयामत तक के लिए देख रहा है कि क्या क्या होने वाला है, उसी हिसाब से कुरान को नाजिल फरमाया है, उसी हिसाब से कुरान को नाजिल फरमाया और इस्तेहाद का दरवाजा खुला हुआ है, एक लफ्ज के हजारों मानी है, एक मुज्तहिद अपनी सलाहियत की बुनियाद पर इस्तेहाद करता है,
और इस्तेहाद में मलहूज रहते हैं अपने अकाबरीन। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अभी जो हस्ती हमारे दरमियान आ रही है उनके पास सिर्फ नबी का इल्म नहीं, नबी का खून भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का इल्म ही नहीं, नबी का खून है। और मैं ये कहता हूँ कि जितने लोग बैत होने के लिए आए हैं वो सब अपनी किस्मत पे नाज करें, क्योंकि अल्लाह की बैत नबी की बैत इन्नल्लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउनल्लाह। और नबी की बैत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की बैत है, उनकी बैत इमाम हुसैन की, उनकी ज़ैनुल आबिदीन की, उनकी इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर की, उनकी इमाम जाफर सादिक की, उनकी इमाम मूसा काज़िम की, उनकी इमाम अली रज़ा की, उनकी मारूफ करखी की, उनकी अहमद सिर्री सकती की, उनकी जुनैद बगदादी की, उनकी अबू बकर शिबली की, उनकी अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी की, उनकी अबुल फरह तरतूसी की, उनकी अबुल हसन अली करशी हिकारी की, उनकी अबू सईद मुबारक मखजूमी की, उनकी बैत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी की, उनकी सैयद अब्दुल रज़ाक की, उनकी सैयद अबू साले नसर की, उनकी मुहिद्दीन अबू नसर की, उनकी सैयद अली की, उनकी सैयद हसन की, उनकी सैयद मूसा की, उनकी सैयद अहमद जीलानी की, उनकी शेख बहाउद्दीन की, उनकी सैयद इब्राहिम एरजी की, उनकी मोहम्मद भिकारी बादशाह की, उनकी काजी जियाउद्दीन की, उनकी जमालुल औलिया की, उनकी सैयद मोहम्मद की, उनकी सैयद अहमद की, उनकी सैयद फजलुल्लाह की, उनकी शाह बरकतुल्लाह की, उनकी आले मोहम्मद की, उनकी सैयद हमजा की, उनकी आले अहमद की, उनकी सैयद आले अहमद अच्छे मियां की, उनकी आले रसूल अहमद की, उनकी बैत अबुल हुसैन अहमदी नूरी की बैत, उनकी बैत इमाम अहमद रजा की बैत, उनकी बैत मुफ्ती आजम की बैत, उनकी बैत ताजुश शरिया की बैत, गुलजार मियां की बैत ताजुश शरिया की बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह। सब नबी तक मुतअद्दी, सब नबी तक मुतअद्दी, अपनी किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह ने हमें बुखारी मुस्लिम तो दिया ही, साथ ही साथ में हमें अकाबिर उलमा भी दिया और सादात इजाम भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी बता दूं कि वसीम रिजवी ही कीरी बिरादरी वाला कामरान भी है, वो कहता है कि बस अमीर माविया हम क्या हजम नहीं होते, माजल्लाह अल्लाह, वो काफिर है माजल्ला, उनके बाप काफिर माजल्ला, यजीद काफिर माजल्ला। और बोलता है कि बुखारी शरीफ में अमीर मुआविया के बारे में कोई हदीस थोड़ी आई है, ये भी राफजी है, इसलिए मुझे ये बात आ गई। वसीम रिजवी भी राफजी है, इसी का एक भाई है कामरान, वो बोलता है अमीर मुआविया काफिर है माजल्ला रब्बिल आलमीन, हम नहीं मानते, बुखारी में कोई हदीस नहीं आई। अबे झाड़ू लगाते लगाते बुखारी पढ़ लेगा तू, चादर बेचते बेचते बुखारी पढ़ लेगा, अंगूठी बेचते बेचते और तबर्रुक बेच के बुखारी पढ़ेगा। लॉज में लड़कियों के साथ अय्याशी करने वाला मर्दूद कमबख्त, वहाँ बुखारी की तालीम होती है। बुखारी की तालीम अशरफिया में होती है, अमजदिया में होती है, रोनाही जंदशाही में होती है। बुखारी की तालीम लॉज में नहीं होती है, लॉज में तू अय्याशी कर, बुखारी की बात मत कर। बुखारी गुलाम ने पढ़ा है, वाह, बुखारी उलमा ने पढ़ा है, वाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, हल्लक फी अमीरिल मोमिनीन मुआविया फइन्नहु मा उतरा इल्ला बिवाहिदा काल ताहो फइन्नहु कद सहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया ने एक ही रकात वितर से नमाज पढ़ी, क्या उनके बारे में कोई हुक्म है? कहा छोड़ दो उन्हें, क्योंकि वो सहाबी रसूल है। सुभान अल्लाह। लफ्ज की आया सहाबा रसूल अल्लाह, और सहाबी होना तमाम मुफ्तियों से बड़ी फजीलत है, तमाम गौस मुजद्दिद से बड़ी फजीलत है, करोड़ों मुजद्दिद मिलके किसी सहाबी के पांव की धूल की बराबरी नहीं कर सकते। बेशक बेशक, वो सहाबी है भाई, सहाबी। उसके जस्ट बाद आया हल्लक फी अमीरिल मोमिनीन फइन्नहु मा उतरा इल्ला बिवाहिदा कॉल असाबा फइन्नहु फकीह। फकीह का लफ्ज भी आया बुखारी शरीफ में, ये फकीह का लफ्ज तुझे नहीं नजर आता कामरान मर्दूद? फकीह किसको कहते हैं? यहां उलमा बैठे हैं, जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले उसे आलिम कहते हैं, और जिनको मसाइल दलाइल के साथ में याद हो उसे फकीह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया को बुखारी ने फकीह कहा, तेरे बाप ने ना, बुखारी ने फकीह कहा। और अमीरुल मोमिनीन भी आया, मोमिनों के अमीर, मोमिनों के मामू अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु। ऐसे शियाओं से सावधान, और अगर कहे मैं सैयद ज़ादे हूं तो इस खुशवावी में मुब्तला मत होइएगा। हर सैयद ज़ादे के हाथ पांव चूम ले नहीं, हर सैयद के हाथ पे अपना हाथ दे दे नहीं,
फतावा रज़विया में लिखा हुआ सैयद मिन हैसो हुआ हुआ वाजिब ताज़ीम तो है, वाजिब इत्तेबा नहीं है। बेशक, और वो भी जब तक मोमिन है तब तक। मुफ्ती आज़म इन फरमाते हैं जब ईमान का खात्मा हो गया तो सियादत की फजीलत खत्म हो गई। इसलिए ये देख ले वो सैयद तो है, आसान लफ्जों में बताओ वो सैयद तो है, मुरीद होने से पहले ये देखे कि मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं है। अगर मसलके आला हजरत वाला है और सैयद है तो अपना हाथ उनके हाथ में बेच दे, क्योंकि दावा है जहां मसलके आला हजरत के मानने वाला जाएगा वहां आप जाएंगे और उनका रास्ता जन्नत का रास्ता है, आपका रास्ता भी जन्नत का रास्ता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आला हजरत ने दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म, नज्म। और नाव कश्ती, साहब अहले बैत कश्ती, औलादे रसूल कश्ती कश्ती। अच्छा नबी ने ये भी फरमाया इन्ना मिथल अहले बैती मिथल सफीनत नूह मन रकिबहा नजा नजा वमन तखल्लफ अनहा हलक हलक हलक। मेरी औलाद नूह अलैहि सलाम के कश्ती की तरह, जो बैठा वो कामयाब, जो नहीं बैठा वो डूब गया। नबी का बेटा भी था लेकिन डूब गया और बोला मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पे चला जाऊंगा, उस ऊंचे पहाड़ से 15 फीट ऊपर पानी था। He cannot swim. डूब गए। कश्ती में जो बैठा वो कामयाब। अब इस हदीस के तहत में जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। तूफान नूह पानी का था, इस वक्त तूफान वहाबियत का है, देवबंदी जत का है, सुलह कुल्ली जत का है, राफजी जत का है, वसीमी जत का है, आरएसएस का है, यहूदी जत का है, नसरानी जत का है, जिस भरे और ये तूफान तूफान नूह से कहीं ज्यादा डेंजर है। ऐसे माहौल में कश्ती नूह की जरूरत थी मोमिनों की हिफाजत के लिए, मोमिनों की नजात के लिए। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, नूह अलैहि सलाम की कश्ती की शक्ल में तूने हमें सैयदजादे दे दिया है, तूने हमें हुसैन दिया है, तूने गौसे आजम दिया है, तूने गरीब नवाज दिया है, तूने गुलजार मियां दिया है, तूने अमीन मियां दिया है। अब आगे सुने आला हजरत ने क्या कहा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, सहाबे हुजूर नजम है। कश्ती समंदर में चलती है मगर साहिल पर उसी वक्त लगेगी जब सितारा को वो देख ले, क्योंकि सितारा से पता चलता ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ किधर है, नॉर्थ किधर है। सितारा गायब हो जाए तो कश्ती गर्काब हो जाती है, समंदरों में सालों भटकती रहती है मगर किनारे तक नहीं पहुंच जा पाएगी। ये सितारे कश्ती के लिए रास्ते का काम करते हैं, सहाबा सितारे हैं, कश्ती नूह अलैहि सलाम की कश्ती की तरह नबी की औलाद है। लेकिन ना खुदा कौन है, ना खुदा चलाने वाला कौन है, चलाने वाला इसका जिक्र यहाँ नहीं आया। गुलाम जिलानी अज़हरी फैज़ाने ताजुश शरिया से बोलता है कि कश्ती सैयद है, सितारा सहाबा है। अब देख ले चला कौन रहा है, कैप्टन कौन है, अगर कैप्टन ताजुश शरिया है तो बैठ जा, कामयाब हो जाएंगे। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु सरिया ताजु, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत वाला कैप्टन होना चाहिए, मसलके आला हजरत वाला कैप्टन होना चाहिए। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों हुजूर गुलजार मियां दामज़िल्लु अलैनान करीब जलवाबार होंगे। पछड़ावा एक जगह है कारी नियाज, पता आपको, वहां पर असद इकबाल में कारी निसार सैयद गुलजार मियां, बारिश का मौसम बहुत तेज बारिश, हुजूर गुलजार मियां से साहिब स्टेज ने कहा हुजूर करम फरमा दीजिए बारिश हो रही है, कैसे जलसा होगा। मैंने खुद देखा मौजूद था स्टेज पर, हजरत ने कुछ पढ़ा, अब पढ़ने के बाद ऐसे ऐसे किया 3 बार और उसके बाद उंगली पे फूका और फिर ऐसे घुमाया, जितने हिस्से में उंगली का मुशारुन इलाही था उतने हिस्से में बारिश बंद हो गई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो करामत मैंने उनकी देखी, हुबली में अल्लामा साहब के साथ में था एक प्रोग्राम में अल्लामा साहब के कदमों में, तो उन्होंने एक हदीस बताई तब उसको समझ में आया गुलजार मियां क्या पढ़ते हैं। और नबी की बारगाह में सहाबा पहुंचे थे, कहा साली हो गई हुजूर दुआ फरमा दीजिए, तो नबी दुआ फरमाई, दुआ हो ही रही थी कि मस्जिद नबवी की छत को फाड़ के बारिश के खतरात गिरने लगे, छत से
खजूर की पत्ती की छत छत से बारिश के कतरात ने उदार होने लगे। एक दिन दो दिन इतनी ज्यादा बारिश के बारिश से सहाबा परेशान। फिर नबी की बारगाह में गए, हुजूर हुजूर दुआ फरमा दीजिए, बारिश से लोग हिला हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। नबी ने दुआ फरमाई और मा अलैना का लफ्ज है उस बुखारी शरीफ के हदीस में, और मा अलैना करके नबी ने ऐसे किया था। नबी ने ऐसे किया, मैं समझ गया नबी के बेटे गुलजार मियां भी वही करके करते हैं। परवरदिगार आलम हमें पढ़ने लिखने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।